स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को हमने खो दिया है। लता दीदी को हमने खो जरूर दिया है दोस्तों, लेकिन उनकी आवाज हम सभी के बीच हमेशा रहने वाली है। जैसे कि उन्हीं का एक गाना कहता है कि मेरी आवाज ही पहचान है, और इनकी आवाज सिर्फ पहचान नहीं है, इनकी आवाज अब एक इमोशन है, एक फीलिंग है, जिसके जरिए हम लता दीदी को हमेशा याद रखने वाले हैं। आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसी उपाधियों, ऐसी टाइटल्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा कि लता दीदी को दिए गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, मेरा नाम है अंकुर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उनको नाइटिंगेल, स्वर कोकिला तो कहा ही जाता था, भारत रत्न से नवाजी गई। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, पंडित भीमसेन जोशी ने उनको एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि थी गान सरस्वती की। जी हाँ दोस्तों, ये कम ही लोग जानते हैं। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि गुलजार साहब ने भी एक टाइटल उनको दिया था, और वो टाइटल था मलिकाए तरन्नुम। जी हाँ दोस्तों, गुलजार साहब अपने गुलजारियत के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और अपने अंदाज में उन्होंने लता दीदी को एक नाम दिया था मलिकाए तरन्नुम, ये भी शायद कम ही लोग जानते हैं। इसके साथ साथ लता दीदी को गान कोकिला भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये नाम इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि जितने भी मराठी पब्लिशिंग हाउसेज हैं वो लता दीदी के नाम के लिए गान कोकिला का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टाइटल्स, ऐसी उपाधि रही लता दीदी के नाम पर जो शायद आपको नहीं पता रही होंगी। लता दीदी को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।